टॉपिक इज क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट पढ़ने की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि वेव फॉर्म जो बन के आती है वो किस तरह से होगी, देन हम उसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, वो ईजी रहेगा। हमारे पास इसमें क्या होता है, एक डायोड यूज करते हैं हम विद रेजिस्टर के साथ। ये रेजिस्टर कौन सा है, लोड रेजिस्टर RL, और ये क्या है, डायोड। अब जो हम इनपुट देते हैं वो AC सिग्नल होता है। हम AC सिग्नल जो है एज अ इनपुट देते हैं। जब वो इसमें से आफ्टर क्लिपिंग के बाद कोई ना कोई वेव फॉर्म बनेगी, अगर हमने ये दिए तो वो हो सकता है इस तरह से वेव फॉर्म बन के आती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्लिप हो चुकी है। क्लिप मीन्स के रिमूव। ये हम मैकेनिज्म देखेंगे तब हमें समझ आएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहले। अब हमारे पास ये जो AC है ये सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल है कि वर्क कैसे करेगा, देन हम इसे एग्जांपल से डेफिनेशन करेंगे। ये चीज़ हमारे पास इसका क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इस केस में पोलैरिटीज़ ये होंगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से करंट मूव करेगा। अब डायोड देखेंगे कि ऑन स्टेट पे है या ऑफ। तो इस केस में हमारे पास ये क्या है, ऑन स्टेट में। जब ये ऑन स्टेट से है तो करंट देन इसके बाद इधर से पास करेगा और इस इधर आ जाएगा। ये हमारे पास है पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हमारे पास यहाँ पे हमें एक वेव फॉर्म मिल रही है। देन उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देखें तो यहाँ पे पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और इस केस में डायोड जो है वो क्या है, ऑफ स्टेट में। जब डायोड ऑफ स्टेट में कोई करंट पास नहीं करेगा और हमें यहाँ पे कोई करंट या वोल्टेज हमें नहीं मिलता। देन उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगेन पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा साइकिल जो है क्लिप हुआ हुआ है। हमें पॉजिटिव वेव फॉर्म मिल रही है लेकिन नेगेटिव वेव फॉर्म नहीं मिल रही, तो नेगेटिव साइकिल यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, क्लिप हुआ हुआ है। तो हमने लिखा कि नेगेटिव पार्ट इज़ क्लिप, सो इट इज़ नेगेटिव क्लिपर। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्लिपर हो गया। तो इस चीज़ जो रिमूव हुई होती है वेव फॉर्म, उसको हम बोलते हैं क्लिपर। अब बाकी वेव फॉर्म को तो इसने ख़राब नहीं किया, बाकी वेव फॉर्म एज इट इज़ है, जहाँ से क्लिप होना था वहीं से होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्लिपर आर द नेटवर्क डेट यूजेज डायोड टू क्लिप अ पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं सीरीज क्लिपर और पैरेलल क्लिपर। सीरीज क्लिपर कब होगा, जैसे कि ये डायग्राम है हमारे पास, जब हमारे पास डायोड लोड रेजिस्टर के क्या हो जाए, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं सीरीज क्लिपर। दिस इज़ इन सीरीज बिकॉज डायोड इज़ इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टर। देन वर्किंग हमने पढ़ ली कि अगर इसमें नेगेटिव पार्ट क्लिप्ड है तो ये हमारे पास नेगेटिव, और ये सीरीज में कनेक्ट है तो नेगेटिव सीरीज क्लिपर हो गया। देन हम नेगेटिव, ये हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम इसके सीरीज क्लिपर के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल वन सेम ऐसी है लेकिन इसमें हमारे पास एक वेव फॉर्म गिवन है कि उसका 10 वोल्ट है, और ये वेव फॉर्म हमारे पास ऐसे है, AC वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है। इसका वोल्टेज हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट। अब इस पे इस क्लिपिंग के बाद, क्लिपर सर्किट के बाद हमारे पास कौन सी वेव फॉर्म बनेगी हमें वो बताना है। तो अगर 10 वोल्ट गिवन है तो हमारे पास यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन हो गया 10 वोल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसका, जब ये फॉरवर्ड बायस में है, मींस कि इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब ये डायोड क्या होगा, ऑन स्टेट पे है। जब ये डायोड ऑन स्टेट पे है तो इसमें से करंट पास करेगा, और करंट इसमें से पास होने के बाद, ये जर्मीनियम का अगर है, सिलिकॉन का 0.7 होता है, तो 10 - 0.7 इज इक्वल्स टू 9.3। देन उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो तो ये ऑफ स्टेट में आ जाएगा, कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ये सेम इसी तरह है, बस यहाँ पे वोल्टेज गिवन है। तो मेरे पास जो वेव फॉर्म बनेगी मेरे पास 9.3। अब ये 9.3 क्या है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की है तो प्लस 9.3। देन उसके बाद नेगेटिव की नहीं क्लिप हो जाएगा, उसके बाद देन अगेन पॉजिटिव पे बनेगी, फिर नेगेटिव पे क्लिप, देन अगेन पॉजिटिव पे बनी, और ये सारी क्या है, प्लस 9.3। देन इसमें अगेन लिखेंगे कि नेगेटिव पार्ट इज क्लिप, सो इट इज़ अ नेगेटिव सीरीज।
क्लिप पर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर डायोड इस तरह से लगा हुआ है और हमारे पास अगेन 10 वोल्ट जो है वो गिवन है, और इस वेव फॉर्म से क्या वेव बनेगी वो बताना है। जब ये फॉरवर्ड बायस मींस कि जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या है ऑफ स्टेट में है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में है, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी और करंट जो है मेरे पास इधर से फ्लो करेगा, इस डायोड में से पास करेगा और अगेन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। अब इस केस में मेरे पास नेगेटिव साइकिल में क्या है, 10 टोटल वोल्टेज है -0.7 इज इक्वल्स टू 9.3, लेकिन नेगेटिव का है तो -9.3, और मेरे पास जो वेव फॉर्म बनेगी, अब वो वेव फॉर्म कैसे बनेगी, नेगेटिव पार्ट में मुझे मिला वेव फॉर्म मिली है, उसके बाद पॉजिटिव पे क्लिप नहीं मिली, उसके बाद अगेन नेगेटिव पे मिली, पॉजिटिव पे क्लिप, फिर नेगेटिव में मिली, पॉजिटिव पे क्लिप, और कितनी मिली है 9.3, तो -9.3 वेव फॉर्म मिली है। अब इसमें हमारे पास पॉजिटिव पार्ट क्लिप हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे कि पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। दर उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल 3, जिसमें हमारे पास ये भी सीरीज़ में है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटीज ये होंगी। अब इस केस में हमारे पास ये ऑन स्टेट में है, जब ये ऑन स्टेट में है तो इसमें से करंट पास करेगा, इस लोड रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और अगेन हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ हमारे पास ये वेव फॉर्म स्क्वेयर वेव फॉर्म गिवन है और 5 वोल्ट की है, तो हमें इससे बताना है कि हमारे पास जो वेव फॉर्म बन के आएगी वो किस तरह की होगी। अगर वो इसमें से 5 वोल्ट गुजरेगा तो ये जर्मीनिया ये सिलिकॉन का है, तो 5 - 0.7 4.3 वोल्ट। तो मेरे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म बन रही है वो 4.3 की, ठीक है, इस तरह से 4.3 की मेरे पास वेव फॉर्म्स बन रही हैं। ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। देन हम देखेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस केस में ये चीज़ क्या है, ऑफ स्टेट पे है, जब ऑफ स्टेट में है तो यहाँ से करंट पास ही नहीं करेगा और इस केस में हमारे पास हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इन दोनों को, तो जो पूरी वेव फॉर्म मिलेगी, इस वेव फॉर्म से क्या वेव फॉर्म बना के आएगी हमारे पास, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वेव फॉर्म मिली, नेगेटिव पे नहीं मिली, क्लिप हो गई, फिर पॉजिटिव पे मिली, नेगेटिव पे नहीं मिली, क्लिप हो गई, पॉजिटिव में मिली, नेगेटिव पे अगेन क्लिप हो गई, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, +4.3। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव क्लिप हुआ है तो इसलिए इट इज़ नेगेटिव सीरीज क्लिपर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हमारे पास डायोड जो है वो लोड रेजिस्टर के पैरेलल है, उसमें डायोड लोड रेजिस्टर के सीरीज में था इसलिए सीरीज कहा गया था, अब इसमें पैरेलल है तो पैरेलल। दिस इज़ इन पैरेलल बिकॉज डायोड इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू लोड रेजिस्टर। अब इसका वर्किंग सबसे पहले देखेंगे और फिर उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। अब इसमें हमारे पास उसी तरह सेम डायोड पैरेलल है लोड रेजिस्टर के, और यहाँ पे हमारे पास है एक सोर्स का रेजिस्टर। अब इसके हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये डायोड हमारे पास क्या हो रहा है, ऑफ स्टेट में है। तो जब ये डायोड ऑफ स्टेट में, तो करंट इसमें से पास नहीं करेगा, इस लोड रेजिस्टर में से पास करेगा। इस केस में हम वी आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलेगा हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या डिवाइड होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के हम इस पे करेंगे, वी आउट इज इक्वल्स टू वी इन आर एल और आर एल प्लस आर एस, ये फॉर्मूला याद करने, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। देन उसके बाद हम देखेंगे और जो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वेव फॉर्म की शेप होगी वो कैसे मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ ना, तो सेम वही मिलेगी वेव फॉर्म जो होगी वो सेम रहेगी, तो हमें वेव फॉर्म जो मिलेगी वो सेम, वेव की शेप चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास है फॉर पॉजिटिव अभी साइकिल के लिए। अब इसी केस में हम नेगेटिव साइकिल देखेंगे, तो नेगेटिव साइकिल के केस में क्या है,
नेगेटिव साइकिल के केस में पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, और इस केस में हमारे पास डायोड क्या है, ऑन स्टेट पे है। जब डायोड ऑन स्टेट में है तो करंट जो है इस डायोड से पास करेगा, और अगेन इस तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, 0.7 का, लेकिन नेगेटिव है, 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप आया, लेकिन फॉर नेगेटिव के लिए हमारे पास -0.7 आएगा। तो इस केस में जो वेव फॉर्म बनेगी वो क्लिप हुई होगी टू -0.7, उसकी शेप जो होगी वो सेम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल इससे रिलेटेड, जिसमें वेव फॉर्म गिवन है और इसका 10 वोल्ट गिवन है। तो इससे हमें पता लगा कि वोल्टेज जो है 10 वोल्ट हमें गिवन है। अब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटीज़ बना लेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस में है, तो करंट इसमें से पास नहीं करेगा। जब करंट इसमें से पास नहीं करेगा, RL में से पास करेगा। तो इस केस में अभी मैंने बताया था कि हम क्या यूज़ करेंगे, वी आउट, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वी आउट इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले डायोड इज़ इन रिवर्स बायस, वी आउट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वी इन RL, RL प्लस RS, वी इन कितना है 10, और RL मेरे पास है 10K, और ये भी 10K प्लस 10K, ये चीज़ मेरे पास वी आउट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 वोल्ट के। और जब हम इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वेव फॉर्म देखेंगे तो वेव फॉर्म की शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आया ना, डायोड जो था वो रिवर्स बायस में था। तो हमारे पास वेव फॉर्म जो होगी वो सेम होगी, लेकिन कितने पे है, 5 वोल्ट पे, शेप उसकी सेम रहेगी। देन हम देखेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज़ जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। और इस केस में अगर हम देखें तो हमारा डायोड जो है वो ऑन स्टेट पे है। अगर डायोड ऑन स्टेट में है तो करंट इस डायोड से पास आउट करेगा, देन अगेन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस केस में हमारे पास डायोड क्या है, डायोड इज ऑन, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना आया है, 0.7, लेकिन अगर नेगेटिव है तो -0.7। अब इस केस में अब टोटल जो हमारे पास वेव फॉर्म बनी है, पॉजिटिव पे हमें क्या मिली थी, 5, देन हमें नेगेटिव पे क्या मिल रही है, एस एस 0.7 पे, उसके बाद पॉजिटिव पे अगेन 5 और नेगेटिव पे 0.7, ये चीज़ हमें क्या मिल रही है, 5 वोल्ट पे, और ये चीज़ हमें मिल रही है -0.7 पे। अब इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वेव फॉर्म क्लिप हुई है। तो हमारे पास ये नेगेटिव पार्ट जो है वो क्या हुआ है, ये क्लिप हुआ हुआ है, नेगेटिव क्या हुआ है, क्लिप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव शंट, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो नेगेटिव शंट क्लिपर। नेक्स्ट है एग्जांपल 2, जिसमें हमारे पास डायोड के साथ साथ एक बैटरी भी है। अब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस केस में हमारे पास डायोड क्या है, ऑन स्टेट पे है। तो जब डायोड ऑन स्टेट पे है तो करंट पहले इसमें से पास करेगा, देन अगेन बैटरी से और इस तरफ वापस आ जाएगा। हमने वोल्टेज डबलर में पढ़ा था कि जब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाली सेटअप हो, तो इस केस में वोल्टेज जो होता है वो डबल हो जाता है। जब करंट इसमें से पास करेगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 0.7, और इसका जो है वो 6 वोल्ट ही है। तो 0.7 प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू 6.7 वोल्ट। अगर किसी ने डबलर, वोल्टेज डबलर टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो पहले जाके वोल्टेज डबलर, मैंने वो डिटेल में पढ़ाया, वो पढ़ लें, उसके बाद ये इजी रहेगा कि ये किस तरह से आया। हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी वो किस तरह की होगी, 6.7 पे, ठीक है। तो यहाँ 6.7 पे हम वेव फॉर्म बनाएंगे, क्या वो क्लिप होगी, हाँ थोड़ी सी क्लिप होगी, क्योंकि यहाँ पे 0.7 का हमारे पास क्लिपिंग आई है। तो यहाँ पे 6.7 और अगेन हमारे पास इस तरह से यहाँ से थोड़ी सी क्लिप हुई है। फिर उसके बाद हम नेगेटिव हाफ साइकिल का देखेंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में सबसे पहले पोलैरिटीज चेंज होंगी, और इस केस में डायोड क्या है, अपनी डायोड को देखेंगे तो डायोड ऑफ स्टेट पे। अगर डायोड ऑफ स्टेट में है तो करंट इसमें से नहीं पास करेगा, करंट इस RL में से पास करेगा।
ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि डायोड इज ऑफ, करंट जो है वो आर एल से पास करेगा, और जब हमारे पास डायोड ऑफ होता है, आर एल से लोड रेजिस्टर से करंट पास करता है तो उसकी शेप चेंज नहीं होती। और अब उस केस में वी कैसे निकालते थे, वोल्टेज कैसे निकालते थे, वी आउट इज इक्वल्स टू वी इन आर एल, आर एल प्लस आर एस। वी इन हमारे पास है 10, और यहाँ पे 10 और 10 के प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, लेकिन फॉर नेगेटिव है तो -5 वोल्ट। अब हमारे पास इस केस में जो वेव फॉर्म होगी वो किस तरह से बनेगी, वी फॉर पॉजिटिव के लिए, उसके बाद यहाँ पे ये वाली वेव फॉर्म की शेप चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी -5 वोल्ट पे, और ये चीज़ क्या हो गई 6.7। देन अगेन हमारे पास एक वेव फॉर्म बनेगी और इसकी शेप नेगेटिव वाले की शेप चेंज नहीं हुई। अब इस केस में हमारे पास क्लिपिंग जो आई है वो किस में आई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये हमारे पास पॉजिटिव शंट क्लिपर होगा। देन उसके बाद हमारे पास एग्जांपल 3 है जिसमें सिंपल डायोड हमारे पास नहीं है, हमारे पास जीनर डायोड है। अगर जीनर डायोड है तो जीनर डायोड का वोल्टेज भी गिवन होगा जो कि गिवन है 5 वोल्ट। अब इस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटीज सबसे पहले बनाएंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये चीज़ क्या है, रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस में है तब हम इसका हम वोल्टेज देखते हैं, अगर फॉरवर्ड में हो तो ये सेम वैसे ही फंक्शन करता है जैसे कि हमारे पास सिंपल डायोड है। तो ये रिवर्स बायस में है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 5 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आया, यहाँ से हमें समझ तो लग गई, लेकिन अगर डिटेल में देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम वी आउटपुट निकालेंगे, वी आउटपुट क्या है, वी इन क्या होगा 20, और आर एल हमारे पास है 10 के, और आर एल प्लस आर के दोनों 10 के हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, ये मेरे पास आएगा 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, देन देखेंगे इन दोनों में से वी जी जो हमारे पास 5 वोल्ट था और ये 10 वोल्ट, इनमें से स्मॉल कौन सा है, तो स्मॉल वाला कौन सा है, 5 वोल्ट। तो हम जो स्मॉल चीज़ है उसको चूज़ करेंगे, वी जी इज इक्वल्स टू 5 इज स्मॉल, सो इट इज वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो ये वो वोल्टेज होगा जो हमें इस आर एल से मिलेगा, लेकिन ये देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या है, अगर सबसे पहले ये रिवर्स बायस में है और हमें गिवन है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट इसका वोल्टेज ड्रॉप है, तो हमें लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में इसीलिए है कि जो यहाँ पे वही हमें मिले, ठीक है, रेजिस्टर पैरेलल में इसीलिए लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही इसका 5 वोल्ट है, हमने वहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप ही लिए थे पिछले में भी जिसके 0.7 थे, इसमें 5 वोल्ट है, तो हम इसके जब पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाएंगे तो वो क्लिप हुआ होगा क्योंकि ये जीनर डायोड भी डायोड है, तो ऐसे क्लिप हुआ होगा, ये चीज़ हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट। देन देखेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में इस केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज़ क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। जब पोलैरिटीज़ चेंज हो गई तो अब इस केस में ये चीज़ क्या है, फॉरवर्ड बायस में, जीनर डायोड है लेकिन फॉरवर्ड बायस में, तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा जिसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, 0.7, तो जीनर डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बायस, सो इट्स वोल्टेज ड्रॉप इज़ 0.7 सेम एज नॉर्मल डायोड, ठीक है, एन डी मीन्स के नॉर्मल डायोड। अब इसका नॉर्मल डायोड क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप 0.7 लेकिन फॉर नेगेटिव साइकिल है तो -0.7। अब दोनों की वेव फॉर्म बना लेंगे, ये पॉजिटिव के लिए और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव के लिए, फिर उसके बाद पॉजिटिव के लिए और फिर नेगेटिव के लिए, ये चीज़ हमारे पास क्या थी, +5 वोल्ट और ये -0.7। देन ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है, मैं इसके हिंट दे देती हूँ कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पोलैरिटीज़ क्या है, प्लस और माइनस। अब प्लस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है
वो होगा, और इसका वोल्टेज ड्रॉप गिवन है VZ इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट। अब इस केस में प्लस और नेगेटिव में ये चीज़ फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 0.7। तो इसका 12 वोल्ट, इसका 0.7 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब ये दोनों क्या हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, वोल्टेज ट्रबलर रूल लगेगा, तो यहाँ पे इन ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो 12.7 आ जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में 12.7 की वेव फॉर्म बनेगी। देन उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, तो पोलैरिटीज़ यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव, और इस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो ये चीज़ हमारे पास रिवर्स बायस में, इसका जो होगा 12 वोल्ट, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये फॉरवर्ड में हो जाएगा, तो इसका 0.7, तो इसका भी 12.7, दोनों को ऐड करेंगे तो 12.7, लेकिन फॉर नेगेटिव है तो -12.7। तो ऊपर वाली वेव फॉर्म भी बनेगी क्लिपिंग के साथ 12.7, और नीचे भी वेव फॉर्म बनेगी क्लिपिंग के साथ -12.7। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का ये आंसर आ रहा है या नहीं।